क्या गाइस आपको पता है कि आपके फ़ोन में जो आपके मोबाइल नेटवर्क से तरह तरह के स्पैम कॉल आते हैं, उन सारे स्पैम कॉल को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे बंद कर सकते हो? आपको अगर नहीं पता है तो आपको आज की ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप लोग अपने मोबाइल नेटवर्क से आया हुआ जितने भी स्पैम कॉल है उन सारे स्पैम कॉल को कैसे ब्लॉक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को यहाँ पर 3 मोबाइल नेटवर्क के स्पैम कॉल को बंद के तरीका बताने वाला हूं, जो कि सबसे पहले जियो मोबाइल नेटवर्क, सेकंड आता है वोडाफोन मोबाइल नेटवर्क, एंड थर्ड मैं बताऊंगा एयरटेल मोबाइल नेटवर्क की स्पैम कॉल को बंद करने के तरीके के बारे में। सो अगर आप इन 3 मोबाइल नेटवर्क से किसी भी एक मोबाइल नेटवर्क को यूज करते हो एंड अगर आप चाहते हो इन सारे मोबाइल नेटवर्क की स्पैम कॉल को बंद करना, तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। हेलो गाइस, आई एम जॉयदीप एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्निकल जॉयदीप पर। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगी जियो मोबाइल नेटवर्क की स्पैम कॉल को अगर आप बंद करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस, आपको जियो मोबाइल नेटवर्क की स्पैम कॉल को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है माई जियो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है एंड उसके बाद वहाँ पर आपको साइन अप करना है। सो ये हो जाने के बाद आपको माई जियो एप्लीकेशन पर एंटर करना है एंड उसके बाद आपको कैसे स्पैम कॉल को बंद करना है जियो नेटवर्क ऑपरेटर की, अब मैं आप सभी को बताता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको माई जियो ऐप को ओपन करने के बाद इस तरफ जो आपको 3 लाइन दिखेगा, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी जो साइन अप किया हुआ प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस सेटिंग्स पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो है डू नॉट डिस्टर्ब। सो डू नॉट डिस्टर्ब या फिर DND मोड जो भी कहा जाए, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड की जो भी इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फुल DND जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली टैप करके इसको ऑन कर देना है एंड ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर आपको सबमिट कर देना है। सो आप जब भी इस ऑप्शन पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपका आ जाएगा कि DND रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन 7 डेज, योर ऑर्डर रेफरेंस ID यहाँ पर कुछ दिया गया है एंड ये जो DND है मतलब डू नॉट डिस्टर्ब या फिर स्पैम कॉल का जो भी ब्लॉक लिस्ट है यह आपका टोटली यहाँ पर 7 डेज के अंदर बंद हो जाएगा। मतलब अब से आपको यहाँ पर सबमिट करना है, मतलब अब से आपको जो जियो नेटवर्क ऑपरेटर से किसी भी तरह के स्पैम कॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थी जियो की नेटवर्क ऑपरेटर की स्पैम कॉल को आप कैसे बंद कर सकते हो, उसका तरीका मैंने बता दिया। अब बात करूंगा मैं वोडाफोन नेटवर्क यूज़र का। अगर आप एक वोडाफोन नेटवर्क यूज़र है तो आप वोडाफोन की स्पैम कॉल को या फिर स्पैम SMS को कैसे बंद कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे तरीके हैं स्पैम कॉल को बंद करने के लिए। आपके पास यहाँ पर 3 तरीके स्पैम कॉल को बंद करने के लिए। सबसे पहला तरीका है मैसेज करके आप बंद कर सकते हो, दूसरा है कॉल करके बंद कर सकते हो, तीसरा है वोडाफोन की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ बंद कर सकते हो। अब आपको यहां पर कैसे बंद करने वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को। सो आप अगर चाहते हो SMS के थ्रू अपने वोडाफोन नेटवर्क की स्पैम कॉल को बंद करना, तो आपको यहां पर स्टॉप लिखना है। स्टॉप 0 लिखने के बाद आपको 1909 पर आपको यहां पर मैसेज सेंड कर देना है। अगर आप चाहते हो कॉल से वोडाफोन की स्पैम कॉल को बंद करना, तो आप यहां पर 1909 पर सिंपली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो वोडाफोन की वेबसाइट पर जाके स्पैम कॉल को बंद करना, तो वो कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप वोडाफोन की DND सर्विस को वेबसाइट से बंद करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, आप ये मोबाइल से भी कर सकते हो। तो करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है वोडाफोन DND सर्विस। ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो एंटर कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको जो नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है DND रजिस्ट्रेशन वोडाफोन इंडिया, इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वोडाफोन की कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको आपकी वोडाफोन नंबर को यहाँ पर फिलअप करने का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने वोडाफोन नंबर को दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP आ जाएगा। इस OTP को इनपुट करने के बाद आपका जो वोडाफोन का DND सर्विस है मतलब स्पैम कॉल बंद करने का तरीका जो है वेबसाइट से, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी वोडाफोन नंबर पर स्पैम कॉल आना बंद हो जाएगा आपसे।
यहाँ पर मैंने बताया कि आप लोग अगर वोडाफोन नेटवर्क यूजर है तो आप लोग कैसे स्पैम कॉल को बंद कर सकते हो, जहां पर मैंने आपको तीन तरीके बताया है। अब बात करूंगी मैं एयरटेल नेटवर्क यूजर की। अगर आप एयरटेल नेटवर्क का यूज करते हो तो आप कैसे एयरटेल नेटवर्क की स्पैम कॉल को बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो कि आपको एयरटेल की वेबसाइट पर जाके आपको यहाँ पर स्पैम कॉल को या फिर स्पैम SMS को बंद करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एयरटेल की वेबसाइट पर जाके आपको स्पैम कॉल को बंद, चलिए आज देख लेते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। गाइज, अगर आप चाहते हैं एयरटेल की वो जो स्पैम कॉल बंद करने का तरीका वेबसाइट से कैसे कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली सेम प्रोसेस से गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एयरटेल डी एन डी एक्टिवेट। देन आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ऐसे इंटरफेस आने के बाद आपको जो Airtel.in वेबसाइट का यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट Airtel। तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Airtel की कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्टर फॉर। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर जो फॉर्म दिया जाएगा DND सर्विस को अगर बंद करना चाहते हो Airtel सिम का, तो इस रजिस्टर फॉर्म पर जाके आपको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म पर अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्यों नहीं आता है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर मतलब मेरे पास तो एयरटेल सिम नहीं है, तो इसलिए मैंने इस साइट पर लॉगिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास एयरटेल का किसी भी तरह का नंबर नहीं है। अगर मेरे पास एयरटेल का किसी भी तरह का नंबर होता तो मैं इस साइट पर लॉगिन करके DND सर्विस को कैसे बंद कर सकता टोटली मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा पाता था, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने सबसे पहले अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म पर जाके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा DND सर्विस को बंद करने का वेबसाइट से। सो गाइज, ये थी वो सारे प्रोसेस जिस प्रोसेस का यूज करके आप जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल नेटवर्क की स्पैम कॉल या फिर स्पैम SMS को बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।